दोस्तों आप सभी का जसवीर प्लम्बर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो ये झिरी है ये किचन की है और ओपन से है, इधर छज्जा है और ये हम पुराने पाइप लोहे के हटा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हो ग्लेंडर से एक एक करके काट ले रहा हूँ मैं फ़िलहाल में। दोस्तों ये हम यहाँ पर 1 इंची के पाइप खड़े में उतारेंगे, जो कि अंदर की फिटिंग होगी वो हमारी 1.25 इंची की होगी। देख सकते हो मैंने कट कर दिया है और इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये आराम से टूट जाएगा। अभी पहले इसको जो इसके आसपास मसाला होता है वो अपने आप झड़ जाएगा, देख सकते हो आप सभी। दोस्तों यहाँ पर एक मैंने होल भी कर रखा है ताकि यहाँ से 2 टी लगा के एक वही 1.25 की अंदर की तरफ ले। और अभी फ़िलहाल में मतलब इस आँखों पे गिरने का चांस है, देख सकते हो ये 2 पाइप हैं, एक को मैंने बाहर निकाल लिया, इस तरीके से दूसरा भी हट जाएगा। ये इसके ऊपर का हिस्सा है, 2 मंजिल का फ्लोर है ये, और ये किचन का नीचे वाला 1 सबसे मतलब फर्स्ट फ्लोर है। और यहाँ अंदर GI के पाइप देख सकते हो पुरानी फिटिंग किस तरीके से है, और पुरानी फिटिंग को हम हटाकर नई फिटिंग करेंगे ताकि कोई सीलन ना रहे मकान में, और CPVC की फिटिंग 1.25 इंची करेंगे दीवार में। तो ये इसका मैनहोल है, सेफ्टी टैंक, ये भी शायद पूरा ब्लॉक पड़ा है, देख सकते हो पूरा मतलब खोखला हो गया है, ये भी नया बनेगा। सबसे पहले हम CPVC पानी की फिटिंग को कटिंग कर लेते हैं। ये फरस में हमने कटिंग करी है, 2 पाइप यहाँ से जाएंगे। अभी हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है फिलहाल में, देख सकते हो अब मैंने किस हिसाब से इसमें झिरी कटिंग करी है फरस में बिल्कुल साफ से। और यहाँ पर ये हमारा एस्टल का सारा सामान आ गया है, टैंक 1000 लीटर का आ गया है, और PVC के पाइप हैं, CPVC के पाइप हैं, ये सारा एस्टल है, कोई भी मिलावट नहीं है सामान में, सारा ब्रांड है, देख सकते हो एस्टल। ये देखिए मैं आपको एस्टल का पाइप भी दिखला देता हूँ, ये सारा एस्टल है, सारा कुछ भी पेटी भी आप देख रहे हो एस्टल है। तो सामान फ़िलहाल में आ गया है, तो अभी हम फिटिंग को स्टार्ट करते हैं, दिखलाते हैं आपको रसोई में जाकर। ये देखिए मैंने फिटिंग को किस तरीके से करा है, ये मेरे 2 पॉइंट जो देख रहे हो मैंने इसमें निशान लगा लिया है, टंकी का टंकी और जी से गर्म। तो अभी फ़िलहाल में हम यहाँ पर कंसील लगाएंगे 2, और ये 2 पॉइंट है इनको भी हम जॉइंट करेंगे। आप सभी देख सकते हो अभी फ़िलहाल में हमने फिटिंग कर दी है फर्स्ट फ्लोर पे, इसके बाद हम सेकंड फ्लोर की फ़िटिंग करेंगे। सबसे पहले इन पे हम कंसील लगा देते हैं, यहाँ पर 2 कंसील लगाएंगे ताकि RO के जो पानी है उसमें टंकी का भी आए और प्लस मोटर का भी पानी आना चाहिए। तो हम इसमें 2 कंसील लगाएंगे CPVC की, आपको हम वीडियो में ज़रूर दिखलाएंगे, वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ पर हम कंसील लगाएंगे, और आप एम्प्टी जो आपने देखा होगा कंसील्ड के आसपास लगाते हैं हम, वो इसलिए नहीं लगाएंगे ताकि वो टूट जाता है और लीकेज होने की संभावना होती है, तो इसलिए सारा CPVC की कंसील्ड भी होंगी यहाँ पर अभी। और देख सकते हो फिटिंग तो बाकी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद हम इसके ऊपर जो वो सेकेंड फ्लोर है हम उसकी फिटिंग को दिखलाते हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए ऊपर भी मैंने इस तरीके से फिटिंग करी है जैसे आपने नीचे देखा, यहाँ भी टंकी और मोटर से दोनों में RO चाहिए, और ये मैंने गीज़र के दोनों पॉइंट बना दिए हैं, आउटपुट के इधर वाला है आप देख सकते हो, पहला सबसे आउटपुट का है, फिर टंकी का फिर मोटर का। तो फिलहाल में मैंने हैंड कैप लगा रखी थी ताकि कुछ जाए ना, वो ये पॉइंट मेरे तैयार रेडी हो चुके हैं। ये सारी फिटिंग मैंने दीवार के नीचे से लिटा के ले रखी है, कोई फरिश में कटिंग नहीं करी है, और ये मेरे दोनों पॉइंट इसके कंसील्ड के हैं, देख सकते हो मैंने कटिंग की जगह बना दी है, बस कंसील्ड को मैं फिट करता हूँ इसको पहले नक्शे के हिसाब से। और आगे का प्रोसेस और भी है, वीडियो में बहुत कुछ है जो मैंने काफ़ी कवर किया है, और काफ़ी टाइम भी लगता है वीडियो को शूट करने में, आप सभी देख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए, मोटर और टंकी का, और इधर गीज़र सबसे पहला और फिर टंकी का, देख सकते हो। दोस्तों क्या होता है जैसे हम वीडियो शूट करते हैं काफ़ी सवाल पैदा होते हैं कि भाई क्यों शूट कर रहे हो कैसे, लेकिन हमारा यही मकसद होता है कि हमारा जो भी ऑडियंस है यूट्यूब पर उनको कुछ हमारी वीडियो से सीख मिले। और देख सकते हो ये मैं आपको समझा रहा हूँ इस वक्त, ये सारे चीज़ गीज़र के पॉइंट हैं, और इधर सेम नक्शा है, कहने का मतलब ये है नीचे और सेकंड का सेम नक्शा है, कोई चेंज नहीं है, पॉइंट जैसे नीचे थे वैसे ऊपर हैं, बस
यहाँ भी हम कंसील्ड लगाएंगे, आपको कंसील्ड दिखला देता हूँ मैं नीचे, तो मैंने अभी इसके बाद लगाऊंगा, पहले यहाँ की दिखला देता हूँ, देख सकते हो अभी मैं कंसील्ड, एक मिनट कंसील्ड लेके आना, यहाँ पर हमें कंसील्ड भी फिट करनी है, कंसील्ड लेने गए हैं और ये काम तो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद बस कंसील्ड ही लगानी है, जो कि वो भी एस्टल की मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, काफ़ी मार्केट में ट्राई किया वो नहीं मिल रही थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि एक ही कंपनी का सारा सामान यूज़ करें, ये सब एक वही पौने की मैंने टी डाल रखी है और ये वाली दोनों टी 1.25 इंची की हैं और जिन पे ये हैंड वो प्लग लग रहे हैं, फिटिंग को मैंने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर मैंने अपने हुक इसलिए लगाए हैं और ये मसाला इस देख सकते हो कंसील्ड भी लगा दिया मैंने, और ये मैंने मसाला इसलिए लगाया ताकि मेरे पॉइंट हिले ना, एक ही जगह रहें, तो देख सकते हो गाइस ये वो वाले पाइप हैं जो मैंने सबसे पहले दिखलाए थे आपको वीडियो में, और मैंने ये भी ऊपर के हटा के नए डाल दिए हैं, तो हमारी फिटिंग ऊपर तक पहुंच गई है, अब फिलहाल में हमारे छत का काम रह गया है, ये मेरे हाथ में आप एल्बो देख रहे हो 1 इंची की और 2 सॉकेट हैं, कुछ ठीक पड़ी हैं 1 इंची की, ताकि हम छत की जो टाइल लगेंगी उसके अंदर ये तीनों पाइप हम अंडरग्राउंड कर सकें, क्योंकि फिनिशिंग आ जाएगी और ये पाइप हमारे यहाँ से ऐसे करके आएंगे, तो मैंने ये पाइप दबा दिए हैं मिट्टी में। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, और देख सकते हो आपको इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, और अभी फ़िलहाल में ये पन्नी डालने हैं और पॉइंट यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और मैंने अपना निशान लगा दिए हैं, तो अभी हमारी किचन की फिटिंग रेडी हो चुकी है और इसके बाद हम मोटर की फिटिंग करेंगे और टंकी की, वो भी बाथरूम में, तो हम उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके दिखला देंगे, तब तक आप बने रहिए और अपना ध्यान रखिए, और बाकी तो आपको पता है वीडियो को फैला दो ग्रुपों में, ये डक है और नेक्स्ट वीडियो में हम डक का काम दिखलाएंगे, उसमें भी GI के पाइप हैंगे, उनको कटिंग करके उसमें CPVC का पाइप लगाएंगे।